हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टूर ट्वेंटी फोर सेवन एंड एसओ चैनल विथ मी गौरव सिंह भदौरिया सो बाय नाउ आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा साथ ही साथ ये इमेज भी देख ली होगी कुछ आपको ए और बी जैसा लिखा हुआ दिख रहा होगा सो so बेसिकली इस शॉर्ट सेशन uh, में हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि काफी बार क्या क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में एक जो एम है एक जो टारगेट वो आप सेट कर लेते हैं बट साइमल्टेनियसली एट द बैक ऑफ योर माइंड या फिर कॉन्शियसली आप एक और बैकअप प्लान लेके चलते हैं उसी को हम बोल देते हैं प्लान बी कि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई तो फिर हमारे पास क्या होगा कुछ करने के लिए तो हम साइड बाय साइड एक और प्लान लेके चलते हैं कि अगर इधर सक्सेस नहीं मिली अगर ये प्लान आपका फेल हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ होगा करने के लिए सो दैट इज वॉट वी कॉल एज प्लान बी स्पेशली फोकसिंग स्पेशली टारगेटिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एस बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्री में आप मान लीजिए दो महीने मेंस में आप मान लीजिए मतलब सेकंड फेज में आप मान लीजिए लगभग ढाई महीने से तीन महीने है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो इस टाइम पे ये जो थॉट है प्लान बी का या कुछ और कर लेंगे कुछ और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे इतने सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई इसकी तैयारी कर ली तो बैंकिंग एग्जामिनेशन एस बी आई पीओ या क्लरिकल एग्जामिनेशन तो निकल ही जाएंगे ये सारे थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये सेशन है कि उन चीजों से कैसे बचा जाए और हमें ऐसा क्यों नहीं करना है ठीक है सो वंस अगेन अ वेरी सोन वेलकम सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे जहां पर भी आप पॉसिबल है, है जहां पर भी आप कर सकते हो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कई बार देखिए ऐसा होता क्यों है ऐसा होता है इसलिए बिकॉज कई बार आप जिस चीज में जुटे हुए हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं कई बार आप बहुत लो फील करते हैं ठीक है आपके आप हो सकता है मॉक टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो या फिर अगर आर बी ग्रेड बी की बात करूँ तो अगर कोई नया बच्चा है तो तैयारी तो चली शुरू कर दी फेस वन तक भी चली ठीक है लेकिन आप ऑब्वियसली फेस वन और टू की तैयारी तो हम साथ में करेंगे तो शुरू में तो जोश बहुत था लेकिन फिर जब आपने फेस टू के सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू किए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होने लगा बिकॉज मे बी कई बार क्या होता है कि हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा ये चीज़ें पढ़नी होंगी इतना हम पढ़ लेंगे डेली हम इतने घंटे पढ़ लेंगे प्लान हम पूरा कर लेते हैं लेकिन जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस हिसाब से उस लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो फिर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है थोड़ा हम लो फील करने लगते हैं ठीक है साथ ही साथ एक एक्सटर्नल ये तो आपका इंटरनल फैक्टर हो गया कि आपके साथ क्या और आपने क्या प्लानिंग की क्या एग्जीक्यूशन किया एक सेकेंडरी फैक्टर एक और होता है कि जब लोग आसपास के या फिर कोई भी वो आपको बोलने लगते हैं सारी चीजें कि लेट सपोज देखिए हर बार कई बार थोड़ा सा किस्मत का भी खेल रहता है तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी बट कुछ मार्क्स से आप रह गए तो होता क्या है उस फेस में आपके आस जो लोग हैं वो आपको कई बार कहने लगते हैं कि तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगी ठीक है कुछ और टाइप वो खुद ही आपको सजेशन देने लगते हैं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर लो ये तो उससे थोड़ा सा ईजी है बट उससे ईजी टारगेट पिक करना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना वो ईजी है ठीक है लेकिन उसके लिए भी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं तो इजी जैसी चीज कुछ होती नहीं हर चीज के लिए आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण आप सोच सकते हो कि चलिए कुछ ये नहीं सही तो कुछ और सही लेकिन असली प्रॉब्लम कब आती है ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं लोग आपको कुछ कह रहे हैं या फिर एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे आप खुद ही खुद इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या गलती है क्या कमी है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है असली प्रॉब्लम कब आती है जब आप खुद पे खुद आप खुद डाउट करने लगते हैं कि शायद मैं इस लायक हूं इस काबिल हूं ये मुझसे हो पाएगा ही नहीं तो जब आप खुद पे डाउट करने लगो वेन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ दैन इट इज वेरी डेंजरस वो वाला सीन वो वाला सिनेरियो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए एंड अब शुरुआत होती है उस चीज़ की कि जब आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि यार सच में अगर ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं हुई अगर आर बी आई ग्रेड भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगा क्या मेरे पास क्या होगा ऑप्शन क्या ऑप्शन होंगे जिन पे फिर मैं और दोबारा से मेहनत करूँगा जो भी है तो बेसिकली बिकॉज नाउ वाई इज इट वाई दिस सिचुएशन इज डेंजरस बिकॉज अब आप खुद पे डाउट कर रहे हैं एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ प्लान बी प्लान बी हियर मींस हो सकता है आप किसी और एग्जाम के बारे में अभी आप सोचने लगो जब आपको अपना 100% एफर्ट किसमें देना है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में तो ये फेज काफी डेंजरस है बिकॉज़ अब जो है आप अपनी सारी एनर्जी अपने सारे थॉट अपनी सारी अटेंशन फोकस विल पावर अब आप प्लान ए से थोड़े-थोड़े निकाल के प्लान बी में लगा रहे हो कि चलिए ये एग्जाम भी ठीक है इसको देख रहे हैं इसको सर्च कर रहे हैं वाई पे उससे रिलेटेड भी सेशन देख रहे हैं स्ट्रैटेजी देख रहे हैं ठीक है हंड्रेड जो चीज इधर होनी चाहिए थी अब वो कहीं ना कहीं एटी सेवेंटी हो चुकी है बीस तीस परसेंटेज ऑफ एवरीथिंग आपका फोकस अटेंशन टाइम विल पावर हर चीज अब आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरी जगह में भी आप इन्वेस्ट करने लगे हैं ठीक है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लान बी जेंट वर्क तो वही है आप दूसरे चीज पे काम करने लगे हो तो ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन होती है आपके उस प्रिपरेशन फेस में ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि और हम होता क्या है देखिए जब ये यहाँ पे एक छोटे से एक फ्रेज का डिस्कशन किया है अगर आप देखेंगे दिस इज सेफ्टी नेट सेफ्टी नेट बेसिकली क्या है ये जनरली जहां पे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होता है ठीक है या फिर कोई भी ग्राउंड से ऊपर एक सर्टेन हाइट पे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो जो वर्कर्स होते हैं वो पूरा हार्नेस करके जाते हैं पूरी सेफ्टी बेल्ट, बेल्ट होती हैं साथ ही साथ नीचे सेफ्टी नेट भी बिछाया हुआ होता है ठीक है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड क्या होता है जो भी वर्कर है उनको पता होता है कि हम सेफ रहेंगे अगर कुछ फेलियर होती भी है अगर ये बेल्ट टूट जाती है तो हम अगर गिरते भी हैं तो हम जमीन पे ही नहीं गिरेंगे वो जो एक सेफ्टी नेट है वो हमें बचा लेगा तो बेसिकली इट्स अ प्रूवन थिंग दैट वी टेंड टू परफॉर्म बेटर इफ देयर इज नो सेफ्टी नेट मतलब कि अगर आपको पता है कि अगर आप गिरे ठीक है आप सोच के देखना कितनी प्रैक्टिकल चीज है अगर आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं थोड़ी सी हाइट पे अगर आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो आप गिर सकते हैं और नीचे सेफ्टी नेट नहीं है तो आप ज्यादा ध्यान से ज्यादा फोकस के साथ काम करोगे सेम चीज ये मैंने कोर्ट आपको क्यों दिया है इस बीच में बहुत सारे एग्जाम आएंगे बैंकिंग एग्जाम आएंगे उनमेंट हो लूंगा आईबीपीएसपी एस बी आई पी ओ वही सारे एग्जामिनेशन तो होगा क्या आपने अपने लिए एक सेफ्टी नेट ऑलरेडी तैयार कर रखा है कि अगर मैं आर बी आई ग्रेड बी से गिरा अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ तो ये सब तो मेरे पास है तो उस केस में आप अच्छा परफॉर्म अच्छी प्रैक्टिस अच्छे डेडिकेशन के साथ काम आर बी आई ग्रेड बी के लिए नहीं कर पाओगे वही इसका अपोजिट अगर आप सोच लो कि आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है आपके पास कोई एग्जामिनेशन है ही नहीं यही आखिरी एग्जामिनेशन है इस साल का जो आपको क्लियर करना है तो जाहिर सी बात है आप और मेहनत से और डेडिकेशन के साथ आर ग्रेड बी की तैयारी करोगे सो so एक फ्रेज था सेफ्टी नेट हम हमारा जो बैकअप प्लान होता है बेसिकली प्लान भी वो हमारा सेफ्टी नेट की तरह ही काम करता है कि अगर हम आर ऊपर उस एग्जामिनेशन से गिरे तो यहाँ पे आके हमारे लिए और एग्जामिनेशन से जो मेहनत कर लेंगे लेकिन उस केस में आप अपना हंड्रेड परसेंट कभी नहीं देंगे बिकॉज आपका थोड़ा सा ध्यान क्या है डाइवर्टेड है इस तरफ भी ठीक है सो so, ये जो प्लान भी होता है दिस इज सेफ्टी नेट सो डू नॉट हैव है कि हम लोग क्यों प्लान बी के लिए सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा तो ये होगा दैट इज द फियर ऑफ फेलिंग हमें उस चीज को लेकर डर लगता है कि अगर ये चीज हमसे नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस रीजन से भी हम हमेशा हमारा एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं वो उस चीज की अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है वेर इज नॉट अ सिंगल पर्सन एक और अच्छी चीज है एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा ठीक है <coughs> कि जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हैं या फिर जिन भी सक्सेसफुल लोग तो चलिए बहुत अलग चीज़ हो गई बड़ी चीज हो गई केवल ऐसे स्टूडेंट्स को ही देख लो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया आप उनसे पूछना क्या उनके जब वो प्रैक्टिस करते थे जब वो मॉक टेस्ट देते थे क्या उनके हमेशा एटी परसेंट नाइनटी परसेंट सेवेंटी परसेंट मार्क्स आते थे नहीं वो बोलेंगे नहीं शुरू में नहीं आते थे प्रैक्टिस कर करके करके धीरे धीरे इंप्रूव हुए so, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई भी एक ऐसा सिंगल इंसान नहीं होगा हु हैव नॉट फेल्ड अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं <coughs> एग्जाम्पल यहां पर है माइकल जॉर्डन का ठीक है आप लोग जानते होंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर तो जब न्यूज रिपोर्टर्स उनसे पूछते थे कि आप इतने फेमस प्लेयर हों ठीक है इतने सारे आपने एन की टाइटल्स चैंपियनशिप uh, जीती हैं उस पे जो माइकल जॉर्डन का रिप्लाई आता था वो जनरली ये कहते थे कि मेरे पूरे एनबीए करियर में ठीक है मैंने नो नाइन थाउजेंड शॉट जो है मिस करे ना होता ये ये कि जो भी दुनिया है जो भी लोग हैं वो केवल केवल आपकी सक्सेस देखते हैं कि हाँ एमजे ने इतने uh, बार टाइटल जीता है एनबीए की आप लोगों ने ये इस स्टूडेंट ने ये एग्जाम क्लियर किया है बट उसके पीछे कितने फेलियर्स होते हैं वो आप नहीं देखते तो बेसिकली जिसको हम फेलियर्स बोल रहे हैं अब फॉर एग्जाम्पल आप ये भी तो कह सकते हो कि इसने नौ हज़ार शॉट मिस किए तो ये उसके फेलियर्स थे क्या नहीं ये उसके फेलियर्स नहीं थे ठीक है हाँ ठीक है हर एक मैच में उसने कुछ शॉट मिस किए लेकिन बाकी के गोल्स भी तो किए थोड़ा थोड़ा हर मैच पे वो इम्प्रूव होते गए हर एक मॉक टेस्ट जैसा आप दोगे गए धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पता चलेंगे इसे अपने वीक एरियाज़ पता चले थे कि ये गलती की पास मैंने अच्छे से नहीं किया शॉर्ट में मेरी एक्यूरेसी नहीं थी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है क्वांट में आपके ज़्यादा नंबर्स नंबर जो है नेगेटिव क्वांट में ज़्यादा हो रहे हैं मे भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड में थोड़ा सा आ, एरर है मतलब आप उतनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर रहे कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये सारी गलतियाँ हमें पहचाननी होंगी एंड हाँ एकदम से किसी को भी सक्सेस देखिए नहीं मिलेगा एकदम से किसी का भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा एट टाइम्स आप फेल होंगे ठीक है बट वहाँ पे आपको रुकना नहीं है आपको वहाँ से उठना है चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना है गलतियाँ पहचानी उन पे मेहनत करनी है काम करना है डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ कर पाएंगे ठीक है Winners will definitely fail and get up. Will fail and get up till they get their dream done. That's a winner. Okay. Talking of चलिए आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो अगर आपके मन में आज तक था ऐसा कुछ भी प्लान भी किसी भी एग्जाम को लेके तो उसे इस प्रिपरेशन फेज में देखिए रिजल्ट जो भी हो बाद में देख लेंगे बट जब हम रिजल्ट तैयारी जब कर रहे हैं तब हमारे मन में कभी भी ये सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए ठीक है रिलेटेड टू यूर आरबीए ग्रेड बी प्रिपरेशन सारी चीजें आपको अवेलेबल है ये आपका फुल्ली डेडिकेटेड बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये आपकी टेस्ट सीरीज हो गई कोड यू कैन अप्लाई वाई फाइव थ्री सेवन अवेल दी मैक्सिम डिस्काउंट एंड दोन प्रिपेयरिंग डाउट कोर्स चाहिए जहाँ पूछ सके प्रैक्टिस कर, कर सके उनके लिए अलग से एक बैच है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं केवल सैटरडे को इसकी क्लास हुआ करेगी ठीक है तो सेशन को ही वाइंड अप करेंगे आई होप सारी चीजें क्लियर है सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग डे टेक केयर एंड गुड बाय